हेलो गाइस, वेलकम बैक विद माय न्यू अनदर ब्लॉग। और वैसे तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता ऑफिस ऑफिस जाने का, बट ठीक है, टाइम है, जब तक तो करना ही पड़ेगा। बट मैंने तो कुछ और ही सोच रखा है अपनी लाइफ को लेकर, देखते क्या होता है। एंड अभी ऑफिस के अभी वैसे मेरा डे टू है, कल वाला ब्लॉग देखने के दिल उसके लिए दिल से थैंक यू। पहले म्यूज़िक कम करना पड़ेगा, गाना ऐसे कैसे बज गया, मेरा ब्रेकअप थोड़ी ना हुआ है। तो अभी डे टू है, वैसे तो 2 साल हो चुके, 1.5 साल हो चुका है मुझे जॉब में, बट मैंने सोचा कि क्यों ना अब से स्टार्ट करते हैं। सो तो अभी डे टू है मेरे ब्लॉग का, आज देखते क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले तो बारिश होगी, उसके बाद ही जो कुछ भी होगा तो होगा। बारिश का मौसम बहुत हद बहुत यहाँ, मेरे कपड़े आज मैं फुल सब कुछ ब्लैक पहनने वाला हूँ आज में, सब कुछ। बॉडी तो बनी रही है थोड़ी थोड़ी, अब थोड़ा जिमनास्टिक थोड़ा चालू कर दिया है तो फिर हल्की हल्की बॉडी बन रही है। सो तो रेडी होकर मिलते हैं ना, फिर दिखाते हैं आज क्या क्या होने वाला है। कीप कंटिन्यू ऑन दिस ब्लॉग, आज डे टू है, आज देखते हैं कैमरे में कौन कौन कैद होने वाला है और क्या क्या होने वाला है आज पूरे दिन में। तो कीप कंटिन्यू ऑन माई ब्लॉग, ठीक है। तब तक मैं रेडी होकर एकदम फ्रेश होकर अच्छे से लुक के साथ आपको मिलता हूं। चलो चलते हैं ऑफिस के लिए, चेक दिस आउट, लाइट फैन ऑफ कर देते हैं, सॉक्स गंदे हो जाएंगे, इसको ऑफ कर देते ताकि बारिश के अंदर वो ना हो। बस भी ऑलमोस्ट आ ही चुकी है, चलो सू शायद भारी पड़े हैं, मुझे तो लगता है के बाद तैयार हो जाते बाल भी खड़ गए, ठीक है चलता है। अभी संडे को कटवाएंगे बाल सब कुछ, आई मीन सब कुछ नहीं कुछ ज़्यादा बोल दिया, सब कुछ नॉट सब कुछ ओनली फॉर हेयर। चलो चेक दिस आउट, हाँ आज मैं टाइम से पहले आ गया, हमेशा लेट हो जाता हूँ, बट आज मैं कल रात को जल्दी सो गया था तो फिर आज मैं जल्दी आ गया। चेक दिस आउट, और कभी कभी ना इंसान ना बहुत ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है ना कि लाइक कभी मतलब इंसान बोल भी नहीं पाता है, और लाइक मेरी कंडीशन अभी वही है, बट ठीक है कोई ना, ऐसी चीज़ें होती रहती है, बिखरते हुए इंसान चीज़ें बिखरती भी इसलिए ताकि वो बाद में निकल सके। तो मेरा ऐसा मेंटालिटी है कि ज़्यादा मतलब जो माइंड प्रेशर देता है ऐसी कुछ बातें मुझे चुभने लगती है ना, तो मैं फिर उस बातों से पीछे मतलब छोड़ देना ही बेटर समझता हूँ। एंड ठीक है, मतलब मैं अब तक तो बहुत खुश था, बट अभी इन दिनों पिछले 2 हफ्तों से जब से घर से रिटर्न आया हूँ, लाइक कुछ कुछ बातें हैं मुझे नहीं पता कि देखो मतलब आप मेरी एज के हो तो काफ़ी लोग मुझे देखते भी है, तो मैं सबको बता दूँ कि देखो लाइफ में ना ऐसी कभी चीज़ें आ जाती है जो माइंड में बहुत प्रेशर डालती है, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ करने को मन नहीं करता है,
काम में मन नहीं लगता, सबसे बेटर चीज़ ये चीज़ क्या क्या होती है, ये चीज़ कहाँ कहाँ इफेक्ट करती है आपके जॉब में मन नहीं लगता है ना, और बहुत सी चीज़ें मतलब डिसअपॉइंटेड वाली चीज़ लगती है माइंड के अंदर। सो तो मैंने जस्ट ऐसी चीज़ अगर हो रही है आपकी लाइफ में तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जस्ट नेगलेक्ट, और कोशिश करो कि उस चीज़ को हावी ना होने देवे माइंड के ऊपर। एंड बाकी तो क्या है, बाकी तो ठीक है, चलता रहता है। और हाँ, अभी देखते हैं आज क्या है। अभी ब्रेकफास्ट में आज क्या बना, आज मुझे नहीं पता क्या बना है, लेकिन बोल देते हैं मनीष को ब्रेकफास्ट आज वैसे आलू के पराठे शायद तक, बाकी मैं कन्फर्म नहीं हूँ। बाकी ठीक है, अभी अपना जैकेट एसी भी ऑफ है, चलो चलते हैं, क्या होता है देखते। मोबाइल चार्जिंग भी नहीं, मुझे चार्जिंग में डालना था, लेकिन ठीक है। एंड बहुत सी चीज़ें कहने को है, समझने को है, बट ठीक है। आज के दिन अब क्या क्या करने वाले, आज बहुत सारा टास्क दिए हैं, तो देखते हैं आज क्या क्या, कौन कौन से टास्क पूरे करते हैं और आज क्या क्या होने वाला है पूरे दिन में। सो तो अभी तो पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, देन उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बार साइट का विजिट करके आएंगे, कुछ क्या कुछ दिक्कत तो नहीं है पीछे की साइड में, इधर की साइड RS6 एंड समथिंग, बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं। सो ऐसा कुछ मैं डीपली नहीं बता पाऊँगे, बट ठीक है, जो भी बता पाएंगे लाइट ऊपर से हल्का बता पाएंगे, बट पहले ब्रेकफास्ट देन उसके बाद सारे काम, ठीक है। एंड गाइज, मुझे नहीं पता है आप ये बात सोचते हो या नहीं सोचते हो, डजंट मैटर, बट मैं जब कभी कभी अकेला सोचता हूँ, मतलब कभी ऐसे ही अकेला बैठता हूँ, तो चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ, फील करता हूँ कि जितनी मेरी एज है या जितना मेरी उम्र है, मतलब अभी तक मैंने जो भी अपने लाइफ में अचीव किया है, जो भी मैंने जहाँ भी जितना तक अभी कर रहा हूँ आगे भी करूँगा, मतलब खुद के दम पर किया है। सो तो ये बात मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितना कर सकता हूँ और कितना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि देखो ये चीज़ तो मतलब इंसान खुद ही अपने आप में ही सीखता है ना, किसी के कहने से तो सीखता नहीं है। सो तो यही चीज़ें हैं, इंसान को यही चीज़ें ज़िंदगी में बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। और मेरी एज के जो मतलब जिस एज में मैं हूँ, उस एज के अंदर काफ़ी सारे लड़के क्लब पार्टी शार्टी समथिंग लाइक दिस बहुत सारी मस्तियाँ कर रहे हैं, मतलब वो डिपेंड ऑन फैमिली, मतलब इंडिपेंडेंट अभी वो लोग नहीं है। बट मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट करते ही, 12th कंप्लीट करते ही मैं जॉब की पर्पज़ और सब कुछ मतलब मुझे पता था कि मुझे कम समय में ज़्यादा अचीवमेंट हासिल करनी है, दैट्स व्हाई फिर मैंने सारी चीज़ें अपने अंडर कंट्रोल ली और चीज़ों को संवारा, खुद ही संवारा हूँ मैं चीज़ों को, किसी का सहारा सपोर्ट नहीं लिया है। एंड अब अच्छा लगता है लाइफ में कि अभी जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं अपने दम पर ही कर रहा हूँ, किसी का सहारा नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं है, और आगे भी इनफैक्ट मैं करूँगा भी। सो तो यही चीज़ें इंसान को मतलब मैं सोचता हूँ कि चलो मतलब एक एटीट्यूड भी बोल सकते हो। एंड बहुत कुछ चीज़ें हैं कहने को, बताने को, समझाने को, सुनाने को, बट कोई ना, अगर डिफ़िकल्ट टाइम भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं आएगा तो मतलब ऐसा कहते हैं कि भगवान मुसीबत में उसी को डालता है या मुश्किलें उसी को देता है, क्योंकि भगवान को पता होता है कि हाँ ये मेरा काबिल बच्चा है, ये हैंडल कर लेगा एंड सब कुछ ये सॉल्व कर लेगा। सो तो डोंट बी पैनिक, अभी बस अपना अपना काम कर रहे हैं। एंड फिर आज का डे तो कुछ नहीं है, ज़्यादा काम रहता नहीं है वैसे, बस चेकलिस्ट फिलअप करके एंड फिर देन अभी आफ्टर लंच हो जाएगा। और मेरा प्लान था, अब काफ़ी टाइम हो गया है मतलब परेशान सा हो गया था, सोचा क्यों ना कहीं घूमने के लिए निकलते, तो फिर चलो अब नेक्स्ट ब्लॉग में अपन एक अच्छी प्लेस पे जाने वाले, मैं अभी रिवील नहीं करूँगा बट जब भी करूँगा आई विल शो यू इन ब्लॉग। सो तो और ये लड़की वाली ही हरकत है जो एक 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 लड़की से धोखा खा के और दूसरी लड़कियों के साथ में फिर से बैचअप कर लेना, जो असली मर्द रहेगा ना वो ज़िंदगी भर एक ही लड़की से प्यार करेगा और उसी की याद में पूरी ज़िंदगी गुजार देगा। सो तो अभी शाम होने आई है, बारिश का मौसम भी बहुत ज़्यादा है, सोचा कि थोड़ा केबिन से बाहर आके देखा जाए माहौल कैसा है, तो माहौल बहुत बेकार है, बारिश का सीज़न मतलब ऑलमोस्ट बहुत ख़तरनाक बारिश है। मैं तो सो ही गया था, मुझे पता भी मैंने आँख कब खुली है, अभी जस्ट रैंडमली उठ के देखा हूँ कि बाहर थोड़ा राउंड मारकर आते चेक किया तो बाहर
पूरा बारिश 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 जैसा हो रहा है। और आज का पूरा दिन तो काम तो हुआ ही नहीं, आज पूरा दिन बारिश का सीज़न था तो ज़्यादा कुछ थोड़ा हल्का फुल्का मंथ का एंडिंग था तो थोड़ा बारिश थोड़ा बिलिंग थोड़ा ये था बिलिंग विलिंग का काम था, साइन वाइन सिग्नेचर इग्नेचर थे एंड कुछ चार पांच बिल थे वो कंप्लीट करें और उसके बाद फिर बाहर घूमने आ गए। देखो मेट्रो ऐसे आपको दिख नहीं रही कि बहुत दूर है, वो देखो ट्रेन जा रही है। ये एरिया थोड़ा आउटपुट सा लग रहा होगा ना आपको, बट क्या करें कुछ साल बाद ये एरिया बहुत डेवलपमेंट वाला चीज़ दिखेगी, मतलब एक डेवलप वाला सीन दिखेगा। तो बस यही बस का वेट है, इंतज़ार है बस का, बस आती सीधा अपने फ्लैट की तरफ। Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken so open, I gave until empty. Got it all back, got myself, now my body can stand me.